नमस्कार दोस्तों, अगर आप विदेश में पढ़ाई करने की सोच रहे हैं या आपके बच्चे विदेश में पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपकी किस तरीके से मदद करेगा मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। स्पेश जो एसबीआई की जो लोन स्कीम है, एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज लोन, कि वो किस तरीके से भारतीय छात्रों को विदेश में पढ़ाई करने के लिए सहयोग करती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज जो लोन है, इसका सोल पर्पज ये है कि अगर आप विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको ये लोन मिलेगा। ये स्पेशली सिर्फ विदेश की पढ़ाइयों के लिए है। इसके अंदर लगभग सारे कोर्स कवर हो जाते हैं, आपका डिप्लोमा कवर हो जाता है, ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कवर हो जाता है, और पीएचडी अगर आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो वो भी आपको इसमें कवर मिलता है। लोन अमाउंट इसका 7.5 लाख रुपए से शुरू होता है और आपको 1.5 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। मतलब मेरे हिसाब से तो आज की डेट में अगर विदेशों में जो सबसे महंगी यूनिवर्सिटी होगी उसकी फीस भी शायद 1.5 करोड़ तक ना पहुंचे, तो 1.5 करोड़ तक आपको इसमें मैक्सिमम लोन मिल सकता है ग्लोबल एडवांटेज में। इंटरेस्ट रेट बहुत कम, 8.65 लगभग, यानी कि होम लोन से सिर्फ 0.75% ज़्यादा है। यानी कि इतने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंडिया में कोई भी बैंक आपको लोन नहीं दे रहा, खासकर विदेशों में पढ़ाई के लिए। अब इसके रीपेमेंट की बात आती है। चूंकि आपका लोन अमाउंट बड़ा है तो एसबीआई ने रीपेमेंट भी शेड्यूल बहुत बड़ा किया हुआ है, यानी कि पढ़ाई कंप्लीट होने के 15 साल तक आप इसको रीपेमेंट कर सकते हो, यानी कि आप लॉन्ग टर्म में इसको पेमेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने 1 करोड़ का लोन ले लिया तो उस 4-5 साल में ही पेमेंट करना पड़ेगा, 15 साल तक का टेन्योर है आपके पास रीपेमेंट करने के लिए। अब बात आती है रीपेमेंट कब स्टार्ट होता है। जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है उसके 6 महीने के अंदर आपको रीपेमेंट स्टार्ट करना होता है। 6 महीने बाद तो बैंक ही रीस्टार्ट कर देगा, लेकिन अगर उसके पहले आपकी अच्छी जॉब लगी है तो आप बैंक में रिक्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपका रीपेमेंट स्टार्ट हो जाए जॉब लगते ही। अब बात आती है कि कौन कौन से एक्सपेंसेस कवर होते हैं। देखिए, आपका ट्यूशन फीस, सिक्योरिटी अमाउंट, कॉशन मनी, यानी कि किसी भी तरह का कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट कराता है आपका कॉलेज तो इसके अंदर कवर है। ट्रैवल एक्सपेंसेस, इंडियन स्टूडेंट्स को जैसे अमेरिका वगैरह यहाँ जाने के लिए काफ़ी ट्रैवल एक्सपेंस होता है, यानी कि 1-2 लाख रुपये तक तो सिर्फ ट्रैवल एक्सपेंस में लग जाते हैं, तो वो भी आपका इसके अंदर कवर होता है। एग्ज़ाम फीस, लाइब्रेरी फीस, लैब फीस, ये इंक्लूडेड है। आपका बैंक जो बुक्स वगैरह और इक्विपमेंट वगैरह का कुछ, या लैपटॉप, ये सब की कॉस्ट भी बैंक बियर करता है लोन के माध्यम से। टूर और एक्सपेंस, अगर आपका कोई फॉरेन टूर लगता है वहीं पर आपकी यूनिवर्सिटी में, या कोई आपका बड़ा प्रोजेक्ट है तो बैंक उसको भी फाइनेंस करता है। यानी कि लगभग आपकी सारी पढ़ाई से रिलेटेड सारी एक्सपेंसेस बैंक कवर करता है। अगर आप ये लोन ले रहे हैं तो आपको कोलैटरल सिक्योरिटी देनी होगी। कोलैटरल सिक्योरिटी के अंदर ये हो जाता है, आपको कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखनी होगी। प्रॉपर्टी गिरवी रखकर, यानी कि जो लोन अमाउंट है प्रॉपर्टी की वैल्यू उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब बात आती है कोबोरोवर की। देखिए, एजुकेशन लोन जब दिया जाता है तब आपके पेरेंट्स आपके साथ कोबोरोवर हों, या तो मदर या फादर कोबोरोवर हों। इनकेस अगर यदि आपके दोनों पेरेंट्स नहीं हैं तो जो भी आपके गार्जियंस हैं वो आपके साथ कोबोरोवर इंक्लूड हो सकते हैं। सिविल स्कोर अच्छा रहे। कई बार ये होता है कि कोई लोग जो एजुकेशन लोन अप्लाई करते हैं तो बोलते हैं हमारे पिताजी की सिविल अच्छी नहीं है। अगर ऐसा केस है कि पिताजी की सिविल अच्छी नहीं है तो मदर को कोबोरोवर बना लिया जाए ताकि आपका लोन पास हो जाए, क्योंकि अगर यदि सिविल ख़राब रही और आपने अप्लाई कर दिया तो आपका लोन रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एजुकेशन लोन में आपको जो इनकम टैक्स रिबेट मिलती है ATE के अंदर, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। अब आप बात आती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत है। देखिए, अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, अगर क्योंकि आप विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं पासपोर्ट कंपलसरी है। अगर आपने पासपोर्ट अभी नहीं बनवाया हुआ है तो तुरंत अप्लाई करें ताकि 10-15 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट आ जाए। एडमिशन लेटर, शेड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस, मतलब आपके जो पढ़ाई के दौरान जो जो एक्सपेंसेस होंगे उनका शेड्यूल, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ स्टडी, मतलब कॉस्ट की स्टडी की कितनी, कौन से सेमेस्टर में कितनी फीस लगेगी, और आपका पुराना एकेडमिक ग्राउंड की फोटो, मार्कशीट्स की फोटोकॉपी, 10th, 12th
या आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो उसकी फोटोकॉपी। अब बात आती है पेरेंट्स के कौन कौन डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न और जो प्रॉपर्टी वो दे रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स ब्रांच बैंक में सबमिट होंगे। अब कैसे अप्लाई करें, देखिए बेस्ट है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें। मैंने इस जो जिस SBI की जो ऑफिशियल साइट है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इतने टैक्स से भी नहीं है तो आपके नज़दीक जो भी SBI की ब्रांच है आप वहाँ डायरेक्ट जाकर ब्रांच मैनेजर से मिल लें। अब बात आती है कि प्रोसेसिंग फ़ीस, इसमें जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 10,000 रुपये प्लस GST है, यानी कि आपका ये वन टाइम बहुत कम प्रोसेसिंग फ़ीस है। स्टाम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है, जिस भी स्टेट में आप लोन ले रहे हैं वहाँ पर जो भी स्टाम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है वो आपको बैंक को पे करनी है। डिसबर्समेंट आपका डायरेक्ट कॉलेज में डिसबर्समेंट होगा, अगर यदि आपने पहले कोई एक्सपेंडिचर कर दिया है तो आप उसको रीइंबर्स भी करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका विदेश में पढ़ाई करने का सपना जरूर साकार करेगा SBI ग्लोबल एडवांटेज लोन के माध्यम से। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह यूज़फुल जानकारी पहुंच पाए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।